आज मैं आया था NBCC का बस राइड लेने मालदा तक, लेकिन बस आज शायद नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो NBCC का भी मालदा वाला बस निकल गया, ये बालूघाट वाला बस है जो मालदा होकर जाएगी, लेकिन इसके एंड बालूघाट में है। तो मैंने अभी इसका टिकट किया है और टिकट का जो किराया मैं आपको दिखा देता हूँ, 260 रुपये, ठीक है। तो दो नंबर का जो सीट है और जो साइड वो मैंने ले लिया है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी तक इसका डिपार्चर टाइम ही नहीं पूछा मैंने, होगा शायद आधा घंटे के अंदर। तो डिटेल सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो में जुड़ रही हूँ। Yeah.
पड़ेगा कि बात काफ़ी स्लो है, टैक्स रेडी नहीं कर रहा है, पिकअप भी नहीं ले रहा है, बस एवरेज पे चला रहा है। कभी कभी पता नहीं जाएगा कुछ क्या हो रहा है कि हाँ ठीक है जीता चला है, लेकिन एक्सम बहुत ही धीमा चला रहा है। मैंने ये नहीं सोचा था कि एन बी एस का जाए नहीं का बस इतना स्लो पे चलेगा, मतलब क्या ही बताऊँ। और ड्राइवर से जो है वो फ़ोन पे लगा हुआ है पूरी तरह से, इससे बात उसके बाद फ़ोन पे बात कर रहा है और ड्राइविंग बहुत ही स्लो है। मैं वही सोच रहा था कि सुबह के बस का टाइमिंग जो था वो 2:30 बजे तक टाइम जो सवा 6 बजे निकलना था SBST के बस से, लेकिन वो आज कैंसिल था या पता नहीं पहले निकल गया, मुझे मिला नहीं, तभी मैंने इस बस को बुकिंग किया था। लेकिन इधर का टाइम बोला 5 बजे, इतना ज़्यादा स्लैक किया है तो इस वजह से चला रहा है, स्लो चला रहा है, पता नहीं। अभी देखते हैं खाना क्या मिलता है, चलिए। तो डबल एक राइस 80 रुपये, 80 रुपीज़। बर्धमान की तरफ ज़्यादा पीछे वाला रास्ता बर्धमान बहरमपुर।
আসার ফোন নাম্বার নেই তো তখন জিজ্ঞাসা করবো বলি করেছিল কি নাকি জানি ফোন তারা যেতে বলে গেছিল ব্যাংকে চাকরি করে বলে পারমানেন্ট নাই 60 বছরের কাজ যায় না মাংসটা তো কোনটা বাবা
Thank you.
स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर।
মালদা রথবাড়ি বাস স্ট্যান্ড। और मालदा रथगढ़ी स्टैंड से आके जानी पूरा खत्म हुआ। टाइम बोला था एक्सपेक्टेड 5 बजे और अभी टाइम आपको दिखा देता हूँ। ये 3 मिनट फर्स्ट चलता है तो 5:05 तक पहुंच गए। ठीक है 5 मिनट चलता है तो मैं बोलूँगा जैसे भी चलाए हो लेकिन टाइम पर घुसा दिया, इनके टाइम के हिसाब से घुसा दिया तो ये एक बात अच्छी है। और बालूघाट को मैंने पूछा कितने बजे का टाइम है तो बालूघाट को बोला 8 से 8:30 बजे रात को। तो अच्छे हुआ मैं बालूघाट का टिकट नहीं किया था, वरना जो गोल लिंक एक्सप्रेस था वो 6:30 बजे खुल के निकल जाती, उस पर कोई फायदा नहीं है, तो जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता, रहना पड़ता। तो इट्स बेटर कि जो डिसीजन लिया वही सही है। SBS का जो बस रहने वाला था उसको रास्ते पर ओवरटेक मार दिया, वो ओवरटेक नहीं कर पाए हम लोगों को, तो हम आगे आगे। और बीच वाले मतलब बीच के टाइम में जो एक और ड्राइवर रिकवर किया था ब्लू शर्ट में, हमको दिखाया था वो ज़्यादा एग्रेसिव नाम दिया था, 75-76 तक दिखा दिया था। दूसरे वाला जो सुबह से चला है वो सही है लेकिन सुबह थोड़ा ढील लिया था, सुबह थोड़ा एग्रेसिव चला था और अच्छा होता। जो भी हो जानी पर खत्म होता है, अभी मैं हूँ। और इधर से मैं टोटो पकड़ के निकल जाऊंगा सीधा मालदा स्टेशन रस्तेघाट। जैसे आते वक्त भी कोई रिजर्व टिकट नहीं था, कोई रिजर्व टिकट नहीं है। सो टोटो से 10 बजे रथगाड़ी मोड़ से और उससे आगे अभी मालदा राम स्टेशन सीरियस से बोल रहा हूँ। कोलकाता से मालदा आने के लिए 10 घंटा, किसी बात में कभी सोचा नहीं था। अब तक तो इस रूप में ट्रैवल किया है। MBSTC का एक बस का जो फागडोगरा के लिए किया था सिलीगुड़ी के बस का, उसमें भी इतना टाइम नहीं लिया था। ऑन टाइम है मेरे हिसाब से लेकिन हाल ख़राब हो गया। तो इस तरह का और स्टेट गवर्नमेंट बसेस का वीडियो आता रहेगा। SBS, MBSTC, WBTC उनको देखने के लिए मेरे चैनल में जुड़ रही है। ये जानी का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। और आपको कैसे वीडियो लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कहूँ आपसे एक वीडियो का ख्याल रखना।